गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि जीएसटी के अंदर निकल के आ रहा है आज के बजट के बाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर जो ये बड़े बदलाव किए गए हैं इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और अब आप ये समझ लें कि जीएसटी के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी में हुई बड़ी घोषणाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी बड़े अमेंडमेंट किए गए हैं आज जो बजट आया है उसके अंदर। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने काफी सारे चेंजेस और रिलैक्सेशंस जो हैं वो दिए हैं जीएसटी के अंदर जो डीलर्स आ रहे हैं उनके लिए। सबसे पहला जो चेंज निकल के आ रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सटेंडेड फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इफ एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जी फ्रेंड्स, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आपके लिए जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब आप 50 लाख तक की अगर आपकी टर्नओवर है पिछले साल, तो आप सर्विस प्रोवाइडर के केस में जा सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है 2A। उसमें जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई है कि अगर आप पहले एलिजिबल नहीं है पुराने कॉम्पोजिशन सबसेक्शन 1 के लिए, तो आप 2A के अंदर आ सकते हैं और अपने पहले 50 लाख तक की टर्नओवर के ऊपर 6% आपको देना होगा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या सप्लायर ऑफ गुड्स के साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप सबसेक्शन 1 का ही जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। सबसेक्शन 2A जो इंसर्ट किया गया है उसके लिए एलिजिबल आप तभी होंगे जब आप सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और 50 लाख तक की जो टर्नओवर है उसके ऊपर आप 6% का कंपोजिट टैक्स दे करके कंपोजिशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ये काफी बड़ा बदलाव किया गया है कंपोजिशन के लिए, जो कि छोटे व्यापारियों को काफी ज्यादा राहत इससे मिल सकती है। अगला जो चेंज किया गया है, ये चेंज किया गया है रजिस्ट्रेशन लिमिट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों को ये पता भी होगा कि रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 40 लाख कर दी गई है, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दी गई है। क्या है वो मैं आपको आज बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर द एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सटेंडेड टू ₹40 लाख। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में सुना हुआ भी है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन लिमिट है उसको बढ़ा करके 20 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। तो इसमें मैं नया क्या बता रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें नया ये है कि अमेंडमेंट एक्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक प्रोविजो ऐड किया गया, उसमें ये बताया गया इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं जहां पर आप अपना सप्लाई ऑफ गुड्स दिखाते हैं, वहां से आपका टर्नओवर है 35 लाख रुपए का, लेकिन आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है या कोई सेविंग्स इंटरेस्ट आपका आता है, तो वो आपका सर्विस का कंपोनेंट हो जाता था पहले, भले ही वो एग्जम्प्ट हो। लेकिन 40 लाख के लिए जो लिमिट थी उसमें यह बातें बताई गई थी कि एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स होना चाहिए। अगर आप गुड्स के अलावा 1 रुपए की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सर्विस से आपकी कोई इनकम आती है 1 रुपए की भी, चाहे वो एग्जम्प्टेड ही क्यों ना हो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आज इन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है, प्रोविजन में डाल दिया है ये चीज कि अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है और वो इंटरेस्ट इनकम रिप्रेजेंट करता है लोन्स को, एडवांसेस को या डिपॉजिट्स को, तो हम लोग उस चीज को कंसिडर करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई ही करते हैं, आपका कोई भी सर्विस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सर्विस है तो आपका 40 लाख का जो लिमिट है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये काफी बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया इस नए अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इस नए प्रोविजन के द्वारा, कि 40 लाख का बेनिफिट जो है अब एक्चुअली में लोग ले पाएंगे। अगला जो बड़ा अपडेट है रजिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। इसमें बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी एंड इफ आधार इज नॉट अवेलेबल देन ऑल्टरनेटिव मेथड विल बी प्रोवाइडेड। जी हाँ फ्रेंड्स, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको अपना आधार नंबर देना मैंडेटरी होगा और आधार के जरिए उस चीज को ऑथेंटिकेट करना भी मैंडेटरी किया जाएगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं होगा तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ वेरिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन आपको अपना जीएसटी नंबर जो है वो वेरीफाई करवाना होगा। अगर आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके लिए भी इन्होंने प्रोविजन में चीजें बताई हैं।
और उसके लिए बताया गया इफ ऑथेंटिकेशन नॉट डन एज पर द अबव प्रोसेस द जीएसटी नंबर विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपना जीएसटी नंबर वैलिडेट नहीं करवाएंगे, वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, तो आपका जीएसटी नंबर जो है उसको मान लिया जाएगा कि वो इनवैलिड है और आपका स्टेटस माना जाएगा कि आपने जीएसटी नंबर ही नहीं ले रखा। आपको अनरजिस्टर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा जीएसटी के अंदर, और जो कार्रवाई अनरजिस्टर्ड के ऊपर हो सकती है वो सारी कार्रवाई आपके ऊपर भी की जा सकती है। तो ये काफी बड़ा चेंज किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहां पर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात ये लोग कर रहे हैं। अगला जो बड़ा अपडेट निकल के आता है, ये भी काफी बड़ा अपडेट है, चेंज इन इनवॉइसेस से रिलेटेड ये अपडेट है। इसमें बताया गया सप्लायर्स टू गिव रिसिपिएंट प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 31 कैपिटल ए। इसके अंदर इन्होंने बताया कि सप्लायर को जो है मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक ऑप्शन देना होगा अपने रेसिपिएंट को, और कौन से सप्लायर को देना होगा तो कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स जो है वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी और उसको नोटिफाई किया जाएगा। एक बार नोटिफाई होने के बाद आपको इनवॉइसेस के ऊपर ये मेंशन करना होगा, ये बताना होगा कि इस क्लासेस का इनवॉइसेस जो है उसका पेमेंट, उस इनवॉइसेस का पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मींस से होगा थ्रू क्यूआर कोड। आपको पता ही होगा कि जीएसटी के अंदर क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो उन दोनों को लिंक करते हुए जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन जो है इनेबलिंग प्रोविजन आप इन्हें कह सकते हैं कि क्यूआर कोड बेस्ड जब इनवॉइसिंग होने लगेगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन जो है उसके लिए ये वाला लॉ लाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है आप रिसिपिएंट से लें ताकि आपकी टैक्स की चोरी जो है वो ना हो पाए, और आप जो टैक्स जमा करना है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन से ही हो जाए और आपका इनवॉइसेस जो है वो जीएसटी रिटर्न के अंदर अपलोड भी किया जा सकता है। अगला जो बड़ा अपडेट निकल के आता है, ये काफी बड़ा अपडेट है, मोस्ट अवेटेड ये अपडेट है, जो कि सेक्शन 50 से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट विल बी लेवीड ओनली ऑन टैक्स लाइबिलिटी दैट इज टू बी नेट टैक्स लाइबिलिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन थी, काफी ज्यादा इस चीज पर डिस्प्यूट हो रहा था कि अगर सपोज हम लोग अपनी जीएसटी के रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लेट फाइलिंग करने के बाद जो हम लोगों का टैक्स बनता है उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगेगा या नेट लाइबिलिटी पे लगेगा। आज जो अमेंडमेंट आया उसमें इन्होंने साफ साफ एक प्रोविजन ऐड कर दिया है, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट पे लगेगा जो आपके कैश लेजर से डेबिट होगा, मतलब जो आप पेएबल के रूप में पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का जो है पेमेंट करना होगा। कहने का मतलब है सपोज आपका रिटर्न जाना था 20 तारीख तक, आपने 20 तारीख तक रिटर्न नहीं फाइल करा और 20 तारीख के बाद अपने रिटर्न फाइल करते हैं, तो अभी का जो प्रोविजन है और रीड विथ तेलंगाना हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था उन दोनों को साथ में रख के पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी कि अगर आपका रिटर्न लेट होता है तो आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता था उसका आपको पूरा का पूरा ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर पे करवाना पड़ रहा था। वहां पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पे रीजन ये दिया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलता है जब आप अपनी 3B के अंदर उस चीज को सेट ऑफ करते हैं। अब एक्ट में ये चीज क्लियर कर दी गई है, इंटरेस्ट अगर लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ उस अमाउंट पे लगेगा जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट होगा आफ्टर फाइलिंग ऑफ लेट रिटर्न। तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ नेट लाइबिलिटी पे करना है। कब से इंप्लीमेंट होगा ये चीज, मेरे हिसाब से ये वाली प्रोविजन जो है 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट करनी चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। अगला जो चेंज है वो रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है, ये भी काफी बड़ा अमेंडमेंट किया गया है, रिटर्न प्रोसीजर अमेंडमेंट टू इनेबल फाइलिंग ऑफ न्यू मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न फॉर रेगुलर डीलर्स एंड कंपोजिट डीलर्स। या फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है जीएसटी के अंदर न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 सितंबर से, उसके लिए इनेबलिंग प्रोविजन जो है जीएसटी एक्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। अब इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको प्रेस्क्राइब किया जाएगा ताकि मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स जो हैं उनको सही तरीके से प्रेस्क्राइब किया जा सके और पोर्टल पे लाइव किया जा सके। उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि क्वार्टरली रिटर्न्स जो होंगी सहज एंड सुगम, ये सारे फॉर्म्स के नाम रूल्स के अंदर दिए जाएंगे। अभी प्रोविजन में ये बताया गया कि कौन कौन सी रिटर्न कब कब मंथली फाइलिंग होनी है और कौन सी रिटर्न जो है क्वार्टरली जाएंगी, जिसकी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका ऊपर लिंक दिया गया है आई बटन में, आप वहां जाके रेफर कर सकते हैं। और एक बड़ा बदलाव और किया गया है जो कि मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन कैश लेजर बैलेंस टू अनदर कैश लेजर बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स,
आज से कुछ दिन पहले ये चीज आई थी रूल्स के अंदर, अब इन्होंने जीएसटी एक्ट के अंदर भी इस चीज को अमेंड कर दिया है कि अगर आपने कैश लेजर के अंदर कुछ गलत पेमेंट कर दिया है सीजीएसटी का एसजीएसटी में या एसजीएसटी का आईजीएसटी में, तो अब आप उस अमाउंट को दूसरे लेजर के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि आपको दोबारा से पेमेंट ना करना पड़े और आपका टैक्स जो है वो मान लिया जाएगा कि उसी टैक्स पे जमा किया है जिसमें आपने ट्रांसफर किया है। तो ये काफी बड़े बदलाव किए गए हैं जीएसटी के अंदर आज जो बजट अनाउंस हुआ है उसके बाद। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं जो कि हम लोग केजे क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन में चलाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।